अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं डॉक्टर तनवीर बास जाफरी अपने होम डॉक्टर तनवीर बास जाफरी चैनल में हाजिर हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, पाइल्स इंग्लिश लफ्ज़ है और उर्दू में बवासीर कहते हैं। बवासीर की तीन इकसाम हैं, खूनी, बादी और एक और बवासीर है मौकों वाली बवासीर। ये एक नामराद मर्ज़ है जिससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। कुछ लोगों के आंतड़ियों का मसला है जिसकी वजह से उन्हें कब्ज़ का मसला होता है, जिसकी वजह से उन्हें बवासीर का शदीद मसला रहता है और बवासीर का शदीद मसला होने की वजह से बड़ी आंत की आखिरी हिस्से एनस में कुछ कैपिलरीज होती हैं, ब्रीक वेनीज होती हैं, जो फटने से खून जारी हो जाता है, जिन्हें खूनी बवासीर कहते हैं। बवासीर खूनी व बादी शदीद कब्ज़ बवासीरी मसों का अंगूर के गुच्छों की तरह बाहर निकलना, शदीद जलन होती है, दर्द कब्ज़ शुदा या नरम पखाने के साथ भी खून का अखराज होता है। इन तमाम अलामात में एक हम नई मेडिसन लेकर आए हैं और बहुत ही नयाब मेडिसन है और उसका बहुत इस्तेमाल हुआ है और पेशेंट पर रिसर्च हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पेशेंट को बहुत इस्तेमाल करवाई है, उससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है। वह है पाइल्स क्योर कैप्सूल वार्सन कंपनी। ये कैप्सूल एक रात सोने से पहले ताज़ा पानी से इस्तेमाल करना है, हर दो दिन बाद यानी दो दिन के वक्फे के बाद इसकी तरकीब है। ये कैप्सूल मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट में जो होम्योपैथिक बड़े स्टोर हैं उनसे ये मिल जाता है। पर हर दो दिन के वक्फे के बाद एक कैप्सूल आपने रात सोने से पहले ताज़ा पानी से इस्तेमाल करना है और बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ये कैप्सूल है पाइल्स क्योर कैप्सूल, ये आप इसकी डब्बी देख सकते हैं, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, इस तरह की डब्बी होगी और ये आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह इस नामराद मर्ज़ का फाका होगा। तीनों किस्म की बवासीर, मौकों वाली, खूनी, बादी, जो भी बवासीर है, इससे इंशाल्लाह पेशेंट को फ़ायदा होगा। और मुझे इजाज़त दीजिए होम्यो डॉक्टर तनवीर बास जाफरी चैनल से, और जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और याद रखें बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ो निगहबान। शुक्रिया।